हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं रूप टॉक। एज अ मदर, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन फॉर योर बेबी, स्पेशली 3 ईयर्स अबो बेबी है, तो आप उनके लिए एक बार ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। एंड इसको बनाना बहुत ही ईजी है और ये बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। तो इसके लिए एक बाउल में इक्वल क्वान्टिटी में सूजी और बेसन दोनों मिला लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा दही मिलाएंगे और नमक ऐड करके और ऐसे विस्कर की हेल्प से इसको मिक्स करेंगे। और इसको तब तक मिक्स करना है जब तक इसके जो लम्ब्स है वो सारे निकल ना जाएं, और इसमें कोई लम्ब्स नहीं रहने चाहिए बस बेसन के। तो देखिए, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हमें ना तो ज़्यादा फ्लोई बनानी है और ना ही बिल्कुल गाढ़ी, तो बीच की कंसिस्टेंसी रखनी है। तो उसके लिए आप पानी एक साथ कभी मत डालिए उसके अंदर, धीरे धीरे पानी ऐड करते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए। इसके बाद इस बैटर में हम थोड़े बहुत मसाले ऐड करेंगे। तो फिर मसालों के अंदर हम इसमें नमक और लाल मिर्च अगर आपका बेबी खाता है तो डालिए, अदरवाइज़ आप इसको नहीं भी डाल सकते हैं। उसके अलावा हल्दी, जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, ये सारे मसाले हमें इसके अंदर डाल देने हैं और इसको अच्छे से मिक्स दे देना है। और मसालों के साथ साथ इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दीजिए। और ये जो रेसिपी है वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसमें बेसन भी है, तो उससे काफ़ी देर तक बच्चों का जो टमी है वो फुल रहता है। और इसमें हमने दही डाला है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनेगा। तो कहने का मतलब है बेबी को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इसको खाने में। और मॉर्निंग में अगर आप कुछ फ्राइड ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैवी ब्रेकफास्ट, तो बड़ों के लिए भी ये अच्छा ऑप्शन है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे सारे मसाले अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। और अभी इसमें मैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स डालूंगी, जिसमें मैंने गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, ये सारी वेजिटेबल्स लिए। इसके साथ ही हरा धनिया भी मैंने ले लिया है अलग से काट के। तो ये सारी वेजिटेबल्स मैं इसके अंदर डाल के और इसको अच्छे से एक मिक्स और दे दूँगी। और वेजिटेबल्स तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है किसी भी फॉर्म में। वैसे वेजिटेबल्स वो खाना पसंद नहीं करते हैं, बट अगर उनको ऐसी फॉर्म में देंगे तो वो ज़रूर खा लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी करी लीव्स से इसमें एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है जो कि इसको और अच्छा बनाती है खाने में। और अभी मैं इसकी फाइनल कंसिस्टेंसी बनाने के लिए थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, तो आप धीरे धीरे करके थोड़ा पानी और ऐड कीजिए। इतना पानी ऐड कर लें कि ये जो बैटर है ना वो अच्छे से तवे पे फैल जाए। तो आप इसमें मेरी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप इसमें पानी ऐड करके इतना पतला बैटर बना लीजिए। और उसके बाद में एक नॉनस्टिक पैन को हम ऐसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, और जब तवा गर्म हो जाएगा तो उसमें थोड़ा बैटर ऐसे डाल देंगे और इसको फैला देंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे, ऊपर की जो लेयर है वो ड्राई आउट हो जाएगी। उसके बाद में इसको स्पैचुले की हेल्प से ऐसे पलट देंगे और हल्का सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना। एंड योर बेबी श्योरली गोना लाइक इट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। टिल देन, बाय बाय।